एनल सेक्स मतलब गुदद्वार द्वारा द्वारा किया गया सेक्स औरतों को अच्छा लगता है? क्या औरतें वो पसंद करती है? क्या वो करना चाहिए? इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एनल सेक्स का मतलब ये होता है कि गुदद्वार जो है, जहाँ से लैट्रिन होती है, गुदद्वार बोलते हैं उसको हिंदी में, तो लैट्रिन के मार्ग से जो सेक्स किया जाता है उसमें से लिंग को इंसर्ट करके जो सेक्स किया जाता है उसको एनल सेक्स बोलते हैं। मतलब लिंग का प्रवेश गुदद्वार में से करना और वहाँ घर्षण करना और वहाँ सेक्स करना, इसको बोलते हैं एनल सेक्स। अभी एनल सेक्स करना अच्छा है क्या, बुरा है क्या, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल लोगों के आते रहते हैं। एक तो क्या है कि ये बहुत न्यू है, ऐसा लोगों को लगता है, कुछ भी नया सुना करके लोग करके देखते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही कैजुअल रहते हैं इसलिए करते हैं, चलता है। कुछ लोग एक आधे स्पेसिफिक पार्टनर के साथ में करते हैं, कुछ औरतें, ये स्पेशली औरतें करती है ना, स्पेसिफिक पार्टनर उसके साथ में ही करती है एनल सेक्स, या कोई फिर ड्रग्स या अल्कोहल के अंदर है नशा उसमें करते हैं, या किसको अच्छा लगता करके करते हैं, या पार्टनर को अच्छा लगता करके करते हैं। तो इसमें से जो करते हैं, इसमें से मेन 6 रीज़न एक स्टडी की गई, उसमें से उसमें करीब 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 काफ़ी मतलब औरतों को जो एनल सेक्स कर रही थी उनका इंटरव्यू किया गया, और इंटरव्यू करने के बाद में उनको पूछा गया कि भाई उस एनल सेक्स क्यों करती है। तो नंबर एक, लोगों ने यह बोला कि भाई वो इन्फ्लुएंस में थी, दवाइयों के, ड्रग्स के या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी, ऐसा 62% औरतों ने कहा, इसलिए उन्होंने किया। नंबर दो, उनकी खुद की इच्छा थी, मजा आता उनको इसलिए उन्होंने किया, खुद की इच्छा से। नंबर तीन, पार्टनर को खुशी देना है इसलिए किया, पार्टनर को अच्छा लगता है इसलिए किया एनल सेक्स। नंबर चार, योनि से क्या हुआ, सेक्स टालना था उनको इसलिए किया। नंबर पांच, पैसा मिलता है इसलिए किया। नंबर छह, पार्टनर ने जबरदस्ती किया, 53% औरतों ने कहा कि पार्टनर जबरदस्ती किया करके यह करना पड़ा। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं, और इसमें औरत से कर सकती है क्योंकि वो कोई सेक्स टॉयज पहन के वो औरत से सेक्स करती है, तो वो लेस्बियन एनल सेक्स हो गया। होमोसेक्सुअल करते हैं, लड़का वो भी होमोसेक्सुअल करते हैं, मतलब ये गे एनल सेक्स हो गया। ज़्यादातर ये पुरुष और स्त्री जब करते हैं और एनल के द्वारा सेक्स करते, पेनिट्रेशन करते, तो वो हेट्रो एनल सेक्स हो गया, वो ज़्यादा है। इसमें एनीलिंगस भी होता है, एनीलिंगस मतलब एनस को जीवा से, टंग से या मुंह से चाटना, किसिंग करना, या पेगिंग होता है, मतलब औरतों ने सेक्स टॉयज पहन के पुरुष के इसमें डालना, वो भी होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि मजा आता है लोगों को, कुछ तो अलग करना है करके आते हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम है वो भी हम देखेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मजा आता है क्या। यस, बहुत लोगों को इसमें मजा आता है, ऑर्गेज्म जो आता है, मतलब एक आनंद की उच्चतम अवस्था जो है, क्लाइमैक्स, वो भी लोगों को एनल सेक्स में आता है इसलिए वो करते हैं। क्लाइमैक्स कैसे मिलता है उनको, पुरुष को क्लाइमैक्स मिलता है कि उसका प्रोस्टेट जो है वो स्टिम्युलेट हो जाता है इसलिए उसको मिलता है। औरतों को इनडायरेक्ट स्टिम्युलेशन ऑफ योनिलिंग क्लाइटोरिस या वजाइनल स्टिम्युलेशन करते हैं उस समय, और इसलिए उनको मजा आता है। तो उनको मतलब एनल सेक्स में एनल पार्ट जो सेंसिटिव है उसमें मजा आता है, अच्छा लगता है उनको, और वो करते रहते हैं। तो ऑर्गेज्म मतलब जो बहुत ही उच्चतम अवस्था है सेक्स की, बहुत आनंद की अवस्था जो है वो उनको मिलती है, मजा आता है करके करते हैं। मगर कुछ औरतों को इसमें बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, रेक्टम एनस, वहाँ कोई सिक्रेशन नहीं होता, गीलापन नहीं रहता है, और जब गीलापन रहता है तो दर्द होता है। तो इसलिए लुब्रिकेंट्स का वापर करना बहुत जरूरी है, अच्छी मात्रा में। और नंबर दो, कुछ औरतों को वो अपमानजनक लगता है, ह्यूमिलेटिंग लगता है कि मेरा अपमान कर दिया, ऐसा कैसा कर दिया है, मतलब ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है, कोई लोग डिप्रेशन में जाते हैं। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि एनस में मतलब यदि स्टूल्स है, गुदद्वार में आप सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ कोई एक्सक्रीशन है स्टूल से, वो बाहर आ गया है ना, और वो समझो वजाइना की तरफ चले गया, तो वहाँ से इन्फेक्शन वजाइना में हो सकता है, या एनल सेक्स करने के बाद में वजाइनल सेक्स किया तो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर रेक्टम में मतलब एनस में सिक्रेशन नहीं होता, गिलापन नहीं रहता, लुब्रिकेंट लगाना जरूरी है वो नहीं किया और फोर्सफुली अंदर डाल दिया, तो वहाँ वो एनस फट सकता है, जख्म हो सकती है, खून आ सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए लुब्रिकेंट्स का वापर करना बहुत जरूरी है।
ये बेसिक मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 40 ऐसे पॉइंट्स कि जो आपने एनल सेक्स के बारे में ख्याल में रखना चाहिए। मैं ऐसे आपको 40 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जो एनल सेक्स के बारे में आपको काम में आएंगे। नंबर एक, एनल सेक्स करने के समय हिमोराइड्स मतलब ब्लड वेसल का वहाँ क्लॉटिंग हो सकता है या खून आ सकता है, तो ऐसा कुछ होता है खून आ गया तो तुरंत डॉक्टर को बताने का है, या वहाँ फट सकता है रेक्टम। नंबर दो, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि देखो स्टूल्स बाहर आ रहे मतलब गंदगी बाहर आ सकती है, वो वजाइना की तरफ समझो गई, कोई पानी गया मतलब या ऐसा कुछ गया वजाइना की तरफ, तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर तीन, वजाइना से या गुदन द्वार से औरत के गैस आ सकता है और वो आपको गंदा लग सकता है या अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। नंबर चार, करने के बाद में आपने बाथरूम जाने का है और साफ सफाई करने की है क्योंकि थोड़ा सा स्टूल बाहर आ सकता है या जो भी कुछ है, साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है। नंबर पाँच, आपको अराउज करने के लिए, गर्मी आने के लिए यदि आप सेक्स टॉयज यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, वो सेक करने के समय तो सेक्स टॉयज यूज करो, खिलौने स्टिम्युलेशन के, और यदि आप यूज करते हो तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। नंबर छः, औरत गर्भवती रहेंगी नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मतलब 99.99% नहीं होगा, हो सकता है कि 0.01% गर्भवती हो सकती है। क्यों? क्योंकि समझो आपने बिना कंडोम का एनल सेक्स किया और वहाँ आपने वीर्यपात किया एनस में, और वहाँ से समझो वो लिक्विड थोड़ा सा दो चार बूंद भी उधर योनि की तरफ चले गया तो औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, चांसेस है, दो नॉट कॉमन। नंबर सात, यदि आप पीरियड्स में करते तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पीरियड के समय लोगों को लगता है कि नहीं सेक्स नहीं करना चाहिए, योनि द्वारा पीरियड्स हो रहे हैं तो आप एनल सेक्स लोग करना पसंद करते हैं पीरियड्स के समय। नंबर आठ, लोग एनेमा लेना पसंद करते हैं, मतलब औरत एनेमा लेती है या जिसको भी रिसीविंग पार्टनर जो है जो लेने वाला है अंदर वो एनेमा लेना पसंद करता है। एनेमा लेते तो साफ सफाई हो जाती है और फिर गैस या स्टूल्स बाहर आने के चांसेस नहीं है। नंबर नौ, अपने पॉन जो है वो नहीं देखना चाहिए। पॉन में क्या होता है, पॉन में भी एनल सेक्स बताते हैं मगर पॉन में कुछ बहुत ही इमेजिनरी कुछ तो भी होता है और फिर वो देख के अपने को लगता है कि बुरा है खराब है या अपने लगता है कि वैसा होना चाहिए, तो पॉन देख के मत करो। नंबर दस, सेक्स की जो उच्चतम अवस्था है ऑर्गेजम या क्लाइमैक्स वो आना चाहिए, उसके ऊपर फोकस मत करो क्योंकि उसका यदि प्रेशर दिमाग में आपके रहा तो फिर आप एक्टिविटी जो चालू है उसमें प्लेजर आपको मिलेगा नहीं, तो ऑर्गेजम के ऊपर अंतिम जो है बहुत उच्चतम अवस्था सेक्स की ऑर्गेजम उसके ऊपर फोकस मत कि वो आना चाहिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है आएंगा तब आएंगा। 11, एनल सेक्स होने के बाद में वीर्यपात हो गया तो आप आफ्टर प्ले कर सकते हैं, आफ्टर प्ले करो और उसमें समझो औरत को बहुत बुरा लगा है या नर्वस है या उसको अपराधीपन की भावना आ रही है तो उसके बाद में बात कर सकते हैं, उसको चिंता घबराहट हुई तो बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं लग रहा है एंजॉय किया तो बहुत ही अच्छा है, कडल करो किस करो दोनों मिलके, स्नैक्स वगैरह ले लो हल्का फुल्का, कोल्ड ड्रिंक लो कॉफ़ी लो जो भी करना है वो कर सकते हैं आफ्टर प्ले। नंबर 12, दोनों पार्टनर ने पहले एक दूसरे को बताना चाहिए कि कैसा करना है, औरत ने बताना चाहिए और पुरुष ने भी बताना चाहिए कि ये कैसा होता है, इसलिए आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नंबर 13, देखो एनल सेक्स है एनल सेक्स है अल्टीमेटली, वजाइनल सेक्स नहीं है तो इसमें गंदगी हो सकती है, स्टूल बाहर आ सकता है, फिर गैस निकल सकती है, फिर बेड खराब हो सकता है और फिर आपको बेडशीट खराब होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यार क्या बेकार कुछ तो भी है करके, तो वो हो सकता है और वो आप एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 14, रिलैक्स रहो, मतलब वो एनल सेक्स है कोई गलती कर रहे हैं ऐसा ना करते हुए भी आप कर तो रहे फिर रिलैक्स, आप जितना रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। नंबर 15, उस समय गैस छोड़ना सेक्स करने के समय ये बहुत ही नॉर्मल है, वायु छोड़ना गैस छोड़ना ये बहुत ही नॉर्मल है, दोनों भी औरत या आदमी दोनों भी गैस छोड़ सकते हैं और कभी कभी बहुत ही गंदा बास यदि आता है गैस का तो आपको वो वातावरण खराब कर देगा। नंबर 16, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत कुछ तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को तो कॉल करना ही चाहिए यदि प्रॉब्लम बाद में हुआ तो। नंबर 17, एनल सेक्स करने के पहले फैंटासी करो, फैंटासी देखो, कोई इमेजिनेशन करो अच्छा सेक्स वाला, रोमांटिक स्टोरी पढ़ो, अपने आप को तैयार कर सकते हैं फैंटासी वगैरह ऐसा मतलब देख के फैंटासी कर सकते हैं, फैंटासाइज कर सकते हैं या रोमांटिक स्टोरी या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि जिससे आपको एक्साइटमेंट आ जाएंगे। नंबर 18, औरतों को भी उसमें मजा आता है, ऐसा नहीं कि आदमी को ही मजा आता है पुरुष को ही मजा आता है ऐसा नहीं, औरतों को भी मजा आता है तो औरत ने भी एंजॉय करना चाहिए, वो एंजॉय कर सकती है तो उसने भी मजा करना है और दोनों पार्टनर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 19, लूज जो है
वो अलग अलग प्रकार के वाटर बेस्ड लूप्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है और वो कम समय के लिए अच्छा काम में आ सकता है। नंबर 20, आप यदि एनल सेक्स कर रहे हैं तो उसके बाद में वजाइनल सेक्स तुरंत नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन जा सकता है उधर। 21, कंडोम लगाना मत भूलो। कंडोम लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पुरुष को इन्फेक्शन हो सकता है और स्टूल्स लग सकते हैं, गंदगी लग सकती है। 22, एनल ट्रेनिंग होना जरूरी है। एनल ट्रेनिंग का मतलब ऐसा है कि एकदम ही आप लिंग अंदर डाल रहे हैं और दर्द हो सकता है तो शुरू में कुछ तो भी छोटा सा आप कोई सेक्स टॉय अंदर डालो या छोटी उंगली डालो या कुछ भी ऐसा, मतलब उसको ट्रेनिंग दे के धीरे 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 उसमें अंदर डालेंगे तो बाद में फिर लिंग आए तो तकलीफ नहीं होंगी। 23, स्पेस अच्छी तैयार करो, मतलब आपकी बेडशीट, आपका बेड, जहाँ भी आप कर रहे हैं क्योंकि वहाँ खराब हो सकता है और वॉशेबल होना जरूरी है। नंबर 24, जो आप क्रीम वापर रहे या लूज वापर रहे वो नंबिंग नहीं होना चाहिए। नंबिंग का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होती कि वहाँ बधिर हो जाता है भाग, तो बधिर होने वाली क्रीम नहीं वापरना है। समझो वो एनल भाग बधिर हो गया और बधिर होने के बाद में यदि वहाँ फट गए लिंग का अंदर डालने के बाद में, तो फट गया मालूम ही नहीं पड़ेगा, दर्द ही नहीं होगा, इसलिए बधिर करने वाली क्रीम नहीं वापरना है। नंबर 25, पहले आपने अकेले ट्राई करना चाहिए, मतलब लेडी है तो उसने अकेले ट्राई करना चाहिए, छोटे छोटे कोई सेक्स टॉयज डाल के या उंगली डाल के, या मतलब पहले खुद को ऐसा तैयार करना चाहिए अकेले में और बाद में फिर पुरुष के साथ में करना चाहिए, तो अकेले पहले करके देखो। 26, प्रेशर के अंदर मत करो। प्रेशर है पुरुष का या पार्टनर का, उसके अंदर कर रहे हैं तो वो नहीं करना है। नंबर 27, यदि आपको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद में तो फिर डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करो, काउंसलर को कांटेक्ट करो, जरूरी है। नंबर 28, एनल प्ले करना जरूरी है, मतलब शौच गुदद्वार जो है उसके पास में स्टिम्युलेट करना, थाइस के ऊपर स्टिम्युलेट करना, मतलब पहले गर्म करना जरूरी है, फोर प्ले करना जरूरी है, तो एनल सेक्स में भी फोर प्ले करना जरूरी रहता है और एनस के आजू बाजू में बहुत स्टिम्युलेशन करना बहुत जरूरी है। नंबर 29, दर्द यदि हो रहा है तो मत करो, सिंपल, दर्द हो रहा है तो क्यों करना है। नंबर 30, यदि हिमोरॉइड्स या टीयर ऐसा हो गया या कोई कारण से खून आ रहा है गुदद्वार से तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करो। नंबर 31, पार्टनर से बात करो, यदि आपको अच्छा लगता है तो बोलो अच्छा लगता है, नर्वस है तो बोलो नर्वस है, दर्द है तो बोलो दर्द है, जो भी है तो आप बात करेंगे तो आप एंजॉय भी अच्छा कर सकेंगे। फिर नंबर 32, इसके साथ साथ आप यूनिलिंग को भी स्टिमुलेट करते हैं, वजाइना को भी स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें डबल मजा आएगा, मतलब एनल से भी मजा आता है, वजाइना से मजा आता है, डबल प्ले होगा और डबल स्टिमुलेशन होगा और उसमें मजा आ जाएगा औरत को। नंबर 33, सेम कंडोम मत वापरो यदि आपको वजाइनल इंट्रोकोस उसके बाद में करना है तो, क्योंकि यहाँ का इन्फेक्शन है, यहाँ शौच है और वो कंडोम को लग सकता है, वहाँ की गंदगी लग सकती है और वही कंडोम से आप यदि वजाइनल कर रहे हैं तो वहाँ का इन्फेक्शन उधर जाएगा, इसलिए सेम कंडोम नहीं वापरना है और कंडोम बदल के वजाइनल करने का है। नंबर 34, लूप्स बहुत ज़्यादा वापरो, ज़्यादा मात्रा में वापरो लूप्स, क्योंकि वो वहाँ सिक्रीशन होता ही नहीं है, वहाँ गिल्लापन होता नहीं है तो फिर अंदर डालने के लिए बहुत मुश्किल होती है, तो बहुत अधिक मात्रा में लूप्स वापरना बहुत ही जरूरी है। नंबर 35, यदि बहुत ज़्यादा समय तक चलना है तो सिलिकॉन लूप्स वापरो। क्या होता है कि वाटर बेस्ड लूप जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए सिलिकॉन बेस्ड लूप जो है वो वापरना जरूरी है। नंबर 36, पेनिस का जो सामने वाला पोर्शन रहता है, हेड जिसको बोलते हैं या ग्लांस बोलते हैं, वो बड़ा रहता है, अब वो अंदर डालने के समय, वो इतना अंदर जाने के समय औरत को तकलीफ हो सकती है और आदमी को भी तकलीफ हो सकती है, तो फिर थोड़ा धीरे 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 उसको अंदर डालना शुरू में, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन छोटा रहता है, सामने वाला बड़ा रहता है, तो फिर इसलिए आराम से करना होगा। नंबर 37, पोजीशंस आप बदल सकते हैं, फीमेल ऑन टॉप भी आ सकती है, फीमेल ऑन टॉप, औरत ऊपर से आदमी नीचे से, ऐसी पोजीशन आ सकती है, आदमी ऊपर औरत नीचे, मतलब अलग अलग पोजीशंस जो सेक्स के वो भी आप वापर सकते हैं। फिर आपकी प्यूबोकॉक्सीजस मसल्स है, मतलब नीचे वाली जो मसल्स है, आप वो रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करो, तो एकदम रिलैक्स है ताकि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्शन में लाएंगे ना, मतलब तो कड़क कर देंगे पूरा नीचे वाला पोर्शन, तो अंदर जाने के लिए तकलीफ हो जाएगी, रिलैक्स रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करो, प्यूबोकॉक्सीजस मसल जो है स्पेशली वो रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 39, उस समय शौच आना यानी कोई बहुत बेकार काम हो गया ऐसा नहीं, शौच आ सकता है, स्टूल्स पास हो सकते हैं और वो तो एक नॉर्मल पार्ट हो सकता है, तो उसके लिए दोनों ने भी खराब नहीं लगने देना है कि नहीं खराब हो गया कुछ, तो भी ऐसा कुछ नहीं है। और आखिरी का नंबर 40, यदि आपको वो अच्छा नहीं लगता है, हेट करते हैं, बुरा लगता है, तो बिल्कुल वो करना नहीं है।
मैं कोई एनल इंटरकोर्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो एनल इंटरकोर्स कर रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ सावधानी क्या बरतना है वो बताई और उसके बारे में एक साइंटिफिक नॉलेज आपको दिया। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।